नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत और चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को पहली बार विकासनगर पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने निजी दौरे पर विकासनगर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में एक बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के आवास पर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत की। साथ ही सीएम ने कई लोगों की शिकायतों को भी सुना। तो वहीं दूसरी ओर डामटा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे को देखते हुए उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई रखी, और वहीं जब मीडिया कर्मियों ने इस हादसे पर उनसे सवाल करने की कोशिश की तो बिना कुछ जवाब दिए ही सीएम कार्यक्रम स्थल से निकल गए। मुख्यमंत्री जी, एक हमारे यहाँ डामटा में बहुत दुखद हादसा हुआ है, और उस हादसे में वहाँ पहुँचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोनों उनके दुख दर्द के हालातों को देखने के लिए, जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनके हालातों को जानने के लिए, और जो हादसा हुआ उस हादसे के स्पॉट पे देख कर कि और हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में आए थे। हमारे प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार जी का आवास, क्योंकि विकासनगर में पड़ता है, सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां आपको बता दें कि वो अपने निजी दौरे पर विकासनगर पहुंचे, तो वहीं उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर में एक बैठक में हिस्सा भी लिया, और साथ ही साथ उन्होंने मौके पर लोगों की समस्याओं को भी सुना, और साथ ही साथ उनको निपटाने के आदेश भी दिए। तो वही डामटा में हुए हादसे पर सवाल पूछते हुए पुष्कर सिंह धामी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। तो आपको बता दें कि विकासनगर में निजी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। नगर पालिका परिषद गोपेश्वर में रिक्त अध्यक्ष पद के लिए 12 जून चुनाव है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर लिया। वही अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की ओर से पुष्पा पासवान, कांग्रेस पार्टी की ओर से नरेंद्र लाल भारती और निर्दलीय प्रत्याशी सोहन लाल ने नामांकन किया है। निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी आवंटित की गई है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद गोपेश्वर में 12,903 मतदाता नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जिसमें 6,580 पुरुष और 6,323 महिला मतदाता शामिल है। नगर क्षेत्र के सभी 18 मतदान स्थलों पर निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए रिजर्व सहित 80 कर्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान हरे रंग के बैलेट पेपर पर होगा, और 14 जून को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में मतगणना संपन्न होने के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। हमारी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, इसमें लोगों की जो हमारे अधिकारीगण हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं, ट्रेनिंग का हमारा शेड्यूल बन गया है, और होपफुली हम लोग की तैयारियां तो हैं ही, एंड होपफुली गॉड विलिंग जो हमारा 12 तारीख को मतदान है वो सुनिश्चित। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपने कुमाऊं दौरे के दौरान काशीपुर पहुंचे, जहां इस दौरान निशंक का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बीते दिनों
पूर्व चंपावत विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया है कि राज्य की जनता में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के प्रति कितना विश्वास है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी सरकार अच्छा कार्य कर रही है, तो वहीं काशीपुर दौरे पर रमेश पोखरियाल निशंक रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। रामनगर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर डॉक्टर निशंक ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से भी विशेष लगाव है और प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विकास को लेकर भी अपना अहम योगदान दिया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपचुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत ने देश में रिकॉर्ड बना दिया है, अब उत्तराखंड में बीजेपी के अलावा कोई दूसरा दल नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार जनता से किए वादों पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेगी। मैं इनको मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर इनको बधाई देने के लिए आया हूँ यहाँ पर, और मैं सोचता हूँ सुशासन, सेवा और समर्पण का जिस तरीके से उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, न केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, इससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी गौरवान्वित महसूस होता है कि हमको देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने हिंदुस्तान की पहचान को पूरे विश्व के फलक पर श्रेष्ठतम किया है। और हमारे इस प्रदेश के बहुत ही सुयोग्य और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, शायद इस रिकॉर्ड को कोई भविष्य में तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा बहुत मुश्किल होगा। चौदह जून से 20 जून तक चलने वाले उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पुलिस अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक की। वहीं मीडिया से जानकारी साझा करते हुए ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि बैठक शुरू होने से पहले डामटा बस दुर्घटना में मृत लोगों की शांति के लिए कुछ समय का मौन रखकर बैठक की शुरूआत की गई। आपको बता दें कि बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए और कि विधानसभा सत्र की तैयारियां समय रहते पूरी की जाए। निर्णय लिया जाएगा, अभी तो 14 से 20 तक है। अभी हमारी बैठक होगी, कार्यमंत्रणा बैठक होगी, उसमें हम लोग निर्णय लिया जाएगा, अभी तो 14 से 20 तक है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, सत्र लंबा होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ विधायी कार्य भी तो होने चाहिए। अगर कार्य नहीं है, एक दिन का सत्र चलाने में खर्चा बहुत ज्यादा आता है, ये हमें आम जनता को बताना चाहिए कि सत्र कोई ऐसे ही नहीं, फ्री में नहीं चलता है, उसमें खर्चा बहुत आता है। और अगर कोई कार्य ना हो तो फिर क्योंकि मुझे 20 तो अभी हमारी बैठक होगी, कार्यमंत्रणा बैठक होगी, उसमें हम लोग निर्णय लिया जाएगा, अभी तो 14 से 20 तक है। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ। उदयपुर राजस्थान में हुए कांग्रेस के संकल्प शिविर के बाद अब उत्तराखंड के सभी जिलों में कांग्रेस क्रियान्वयन शिविर का आयोजन करेगी। बता दें कि 11 से 14 जून तक कांग्रेस सभी जिलों में अपने जिला स्तरीय नेताओं के साथ मंथन करेगी। कांग्रेस हाईकमान ने सभी प्रदेशों में इस तरह के क्रियान्वयन शिविर कराए जाने को लेकर कहा है कि कांग्रेस अपने बुरे दौर से बाहर निकलने के लिए हर एक कार्यकर्ता को मजबूत करेगी, इस पर कांग्रेस का फोकस है। हाल ही में कांग्रेस ने देहरादून में भी 2 दिन का नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर आयोजित किया था। जो हमारी राष्ट्रीय एकता है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारी अनेकता में एकता का संकल्प, मोदी ने भी जांच के आदेश दिए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, चंपावत को आप लोग मीडिया के लोग और आप भी एक मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का, लोकतंत्र।
तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर में एकल अभियान की 3 दिवसीय प्रभाग उत्तर P5 की कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, मुख्य वक्ता केंद्रीय प्रचार विभाग मुख्य एकल अभियान और उत्तर प्रभाग P5 के पालक संजय मालवीय, प्रभाग अभियान प्रमुख प्रमोद कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर संजय मालवीय ने अखिल भारतीय स्तर पर एकल अभियान के सफल संचालन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये 3 दिवसीय कार्यशाला 20 सत्रों में संचालित होगी, जिसमें पंचमुखी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, स्वाभिमान जागरण शिक्षा, ग्राम्य विकास शिक्षा और संस्कार शिक्षा के माध्यम से गांव में एकल अभियान को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दिन में ये प्रभाग का कार्यालय प्रमुख पर है, यहाँ पे कार्यालय से संबंधित जो जानकारियाँ कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए, यहाँ अंचल स्तर के भाग स्तर के कार्यालय प्रमुख आए हुए हैं। तो इतने बड़े सिस्टम को, 1 लाख विद्यालय यहाँ पूरे देश के अंदर चलते हैं, तो उनको चलाने के लिए सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो कार्यालय संबंध में जो जो आवश्यकताएं होती हैं, किस प्रकार के पत्रक मतलब फॉर्मेट बनते हैं, कैसे कार्यालय का संचालन किया जाए, इस प्रकार की सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाता है। कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 3 दिवसीय और क्या क्या खास रहने वाला है? यहाँ पर 30 की लगभग मेरे ख्याल। खबर बाजपुर से है, जहां महोली के जंगल में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों को बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और बिजली विभाग के अधिकारियों ने आर्थिक सहायता के रूप में 80,000 का चेक सौंपा और जल्द ही विभाग की ओर से अन्य सहयोग राशि दिए जाने की बात कही। बता दें कि बीते दिनों केला खेड़ा के गांव महोली के जंगल में करंट की चपेट में आकर मजिस्टर सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने घटनास्थल का मुआयना किया और जल्द ही और सहायता राशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराने की बात कही। बहुत दुखद घटना है। ग्राम मोहली जंगल में जो अभी कुछ दिन पूर्व तेज आंधी तूफान आया था, दैवीय आपदा आई थी, उससे बिजली के तार नीचे थे। वो जो है एक फार्म हाउस में काम करते हैं और करंट की चपेट में आने से उनकी कल दर्दनाक मौत हो गई थी। कल देखिए, एक विद्युत दुर्घटना घटित हुई है यहाँ पे, उसमें हमने जो विभागीय नियमानुसार हमारे 4 लाख का मुआवजे का जो मृतक होते हैं उनको प्रावधान है, जिसमें हमने 80,000 रुपये जो हैं उनको तत्काल अभी दे दिया है। बाकी 3,20,000 जो है वो हमारा एक विभागीय जांच होती है, उसके उपरांत इनको दे दिया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए बस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और सांसद एमपी वीडी शर्मा और एमपी पुलिस के डीजीपी सुधीर सक्सेना हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। आपको बता दें कि उत्तरकाशी बस हादसे के शिकार सभी मृतकों के 26 शव को एमपी भेजने की तैयारी हो रही है। सभी शवों को सेना के जहाज से एयरलिफ्ट किया जाएगा। देखिए, बहुत दुखद घटना है। मेरा मन तो बहुत व्यथित है कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र के खजुराहो के पन्ना छतरपुर जिले के हमारे सभी श्रद्धालु बंधु, इसमें 25 लोग एक साथ चले गए, पूरा क्षेत्र शोकाकुल है। आज मैं विशेष तौर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर रात को ही पहुँच गए थे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई और रात को ही सारे बॉडीज़ को वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको समय पर, आज यहाँ पर सभी लोग पहुँच गई हैं, सारी बॉडीज 25 लोग और 3 लोग एडमिट हैं, उनका बेहतर इलाज यहाँ पर हो रहा है। यमुनोत्री धाम के अंतिम सड़क पड़ाव जानकी चट्टी पार्किंग में एक बस ने 2 खच्चरों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। खच्चर को टक्कर लगने से एक खच्चर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक खच्चर घायल हो गया। वही घायल खच्चर का पशु चिकित्सा टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। गनीमत यह रही कि यह वक्त रहते यात्री से वाहन संभल गया, रही तो एक बड़ा हादसा हो सकता था।
लंबे समय से कई समस्याओं का समाधान नहीं होने से आक्रोशित भारतीय मजदूर संघ के मजदूर चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतर गए। बता दें कि संघ की जिला इकाई ने बागेश्वर नगर की सड़कों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक जुलूस निकालकर श्रम विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। वही संघ ने जिला अध्यक्ष जीएस बोरा ने बागेश्वर श्रम कार्यालय पर अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम से जांच की भी मांग की। तो बोरा से पंजीकृत श्रमिकों के लंबित देय हित लाभ, मनरेगा और 100% रोजगार देने और आयुष्मान कार्डों का लाभ सहित 7 सूत्रीय मांगे अविलंब पूरी नहीं होने की दशा में पुनः बागेश्वर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर वहीं पर अनशन करने की चेतावनी दी है। विभाग में जो है बागेश्वर हमारे श्रमिक महिलाओं के साथ कई बार दुर्व्यवहार किया जा रहा है और श्रम विभाग में जो बोर्ड का काम करने वाले श्रम प्रदाय अधिकारी के सुपुत्र बैठे हैं एक, उन्होंने ऐसी अराजकता वहाँ फैला रखी है जिसका हम आपको बहान भी नहीं कर सकते हैं। हर महिला को 15-15 दिन फोन करके वहाँ पर बुलाया जा रहा है और भी लाभ, नित्य उपरांत लाभ, युवा उपरांत लाभ, परसोपरांत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, टूल किट, सिलाई मशीन, सोलर लाडेन, छात्रवृत्ति, छतरियाँ, कंबल, कुछ भी यहाँ सब किसी मजदूर को इस टाइप पर नहीं मिला है। पता नहीं कौन ले गया, उनको क्या ले गया, ये भी हमको पता नहीं है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव किया। आयुष महाविद्यालयों में फीस वृद्धि मामले को लेकर घेराव किया गया। तो वहीं एसडीएम विकास नगर से बातचीत की और साथ ही इस मामले में प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी और की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि आयुष महाविद्यालय के छात्रों लंबे समय से फीस वृद्धि को वापस लिए जाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले में 2018 में हार्ड कोर्ट में छात्रों के पक्ष में आयुष महाविद्यालय में बड़ी फीस को कम करने के आदेश जारी कर चुका है। इसके बावजूद न्यायालय के आदेशों को नहीं माना जा रहा है। निजी आयुष महाविद्यालय के लोग हैं या सरकार समझ लीजिए, वो अपील में गए थे, स्पेशल अपील में 2018 में, और उनकी फीस वृद्धि का मामला, उनके द्वारा जो फीस वृद्धि की गई थी वर्ष 2015 में, उस फीस वृद्धि पे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 2018 में अंकुश लगा दिया था, सरकार के आदेश को अपास कर दिया था, और उस फैसले के खिलाफ जो निजी आयुष विद्यालय के मालिक हैं, सरकार समझ लीजिए, वो ऑनरेबल हाईकोर्ट में स्पेशल अपील में गई थी और स्पेशल अपील को खारिज कर दिया था ऑनरेबल हाईकोर्ट ने। उसके बाद आज लगा 4 साल के करीब हो गए, लेकिन 4 साल में उन आदेशों का, ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन कराने में सरकार नाकाम साबित हुई। जो निजी आयुष महाविद्यालय के लोग हैं या सरकार समझ लीजिए, वो अपील में गए थे, स्पेशल अपील में 2018 में, और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस बात को भी ठुकरा दिया था, यानी वही आदेश जो जुलाई का था वो आज तक। तो आपको बता दें कि विकास नगर में जन संघर्ष मोर्चे ने तहसील का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने तहसील का घेराव किया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये खबर आपको विकासनगर की बता रहे, जहां जन संघर्ष मोर्चा ने तहसील का घेराव किया है। वही बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने शराब की 14 पेटियों को बरामद किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर शराब की 14 पेटियां जब्त की गई हैं। तो राजधानी देहरादून से IDPL में तस्करी करने के लिए लाई जा रही 14 पेटी शराब श्यामपुर पुलिस चौकी ने पकड़ी। वहीं तस्करी में इस्तेमाल एक टैक्सी कार भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। हालांकि शराब IDPL में किसके यहां सप्लाई की जानी थी, जिसके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने के लिए भेज दिया गया है। तो खबर आपको बता रही, जहां पर
ऋषिकेश में 14 पेटी शराब की जब्त की गई है। उत्तरकाशी में होटल व्यवसायियों ने बड़कोट में रैली निकाली और यमुनोत्री नेशनल हाईवे जाम कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभन सिंह राणा ने एसडीएम बड़कोट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता रखी है उससे तीर्थ यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वही होटल व्यवसायियों के होटल व्यवसायियों के कमरे भी खाली पड़े हुए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से ऑनलाइन की बाध्यता समाप्त कर यात्रा व्यवस्था को सुचारू किया जाए। हर साल की बात ही हम नीलंग जादू में देव पूजा के लिए जाते हैं और वहाँ सरकार द्वारा हमें परमिशन लेना पड़ता है और कई सदियों से हम वहाँ पर देव पूजा के लिए जाते हैं और हम चाहते हैं सरकार को इस परमिशन को हटाया जाए और इनर लाइन को हटाया जाए। साथ में इस जो परमिशन के लिए ग्राम प्रधान द्वारा इसे अनुमति दिया जाए। धन्यवाद। उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती सीमांत क्षेत्र में बसा एक छोटा गांव जहां ग्रामीणों को अपने गांव जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। इस गांव का नाम नीलांग और जादूंग है। बता दें कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान गांव के लोगों को सुरक्षा दृष्टि से गांव से हटा दिया गया था। 1962 के युद्ध को लगभग 60 साल हो चुके हैं, अभी भी इन ग्रामीणों को अपनी पुस्तैने घर जाने पर रोक लगी हुई है। ये ग्रामीण हर साल 2 जून को नीलांग और जादूंग अपने देवी देवताओं को पूछने के लिए जाते हैं, जिसके लिए ग्रामीणों को उत्तरकाशी प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। वहीं अब ग्रामीण अपने गांव को फिर से बसाने के लिए प्रशासन से कई सालों से मांग कर रहे हैं। नारायण बगड़ विकासखंड के ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भरकम पोकलैंड मशीन नियमों को ताक पर रखकर चलाई गई। बता दें कि मींग गदेरा बाजार के एक छोर से भारी भरकम मशीन सड़क के तारकोल को चीरते हुए बाजार की दूसरे छोर तक पहुंच गई। वहीं इसके बाद से सड़क पर पोकलैंड के चलने से मींग गदेरा बाजार में वाहनों के जाम की स्थिति पैदा हो गई है। बीआरओ के सक्षम अधिकारी ये पता नहीं लगा सके कि आखिर उनकी नई बनी सड़क को जिस पोकलैंड मशीन ने नुकसान पहुंचाया उस मशीन का वाहन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और वाहन स्वामी कौन है। सुल्तानपुर पट्टी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने तालाब पर अतिक्रमण को चिन्हित किया और 2 दिन तक लोगों को अतिक्रमण खुद हटाने का समय दिया। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में तालाब की भूमिका पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसको हटवाने के लिए अक्रम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जो सुल्तानपुर पट्टी में तालाब की जमीन है तो उसमें मोहम्मद अकरम बनाम स्टेट में आदेश हुआ थे कि जो इस तरह की जलमग्न तालाब आदि की भूमि उनको खाली करवाया जाए, तो इस संबंध में 3-4 कैटेगरी चिन्हित की गई थी और कमेटी बनी थी यहाँ एसडीएम की अध्यक्षता में। तो उसमें कई लोग आए और
कुछ 5-7 लोग गए हैं जो माननीय उच्च न्यायालय, जिसमें से कुछ लोगों का स्थगन आदेश है। उसमें कॉम्प्लेक्स वगैरह के संबंध में हमने लैंड भी प्रपोजल भेज रखा है, लेकिन खबर लक्सर से है, जहां एसटीएफ ने नकली दवा बनाने वाली कंपनी पर शिकंजा कसते हुए हरिद्वार समेत जिला सहारनपुर में मौजूद दवाइयां बनाने वाली कंपनियों पर छापेमारी करते हुए करीब 15 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद की हैं। बता दें कि बीते 2 साल से नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बनाकर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। वही शिकायत मिलने पर एसटीएफ ने हरिद्वार के लक्सर, भगवानपुर और सहारनपुर के कुछ इलाकों में छापेमारी करते हुए नकली दवाइयां बरामद की है। एसटीएफ प्रभारी एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बरामद की गई अधिकतर दवाइयां एंटीबायोटिक के तौर पर प्रयोग की जाती हैं, जबकि दवाइयां नकली होती हैं। फिलहाल रेड जारी है और अभी तक 15 लाख की नकली दवाइयां बरामद की जा चुकी हैं। विगत कुछ दिनों से बाजार में जो है नकली दवाएं मिलने की सूचना प्राप्त हो रही थी, इस पर स्टेट की टीम लगातार काम कर रही थी। कल देर रात्रि इसमें 3 जगह को चिन्हित किया गया, जिसमें भगवानपुर में एक फैक्ट्री है, जो पूर्व में भी फार्मास्यूटिकल की कंपनी के नाम पर वहां पर काम चलता था। इसी तरह लक्सर में भी एक फैक्ट्री को चिन्हित किया गया, जहां पर अन्य किसी माध्यम से फैक्ट्री बनाई गई और वहां पर नकली दवाओं के रैपर और दवाइयों को पैक किया जा रहा था। इसी प्रकार सहारनपुर क्षेत्र में भी एक फैक्ट्री को चिन्हित किया गया, जहां पर टीम हमारी पहुंची और वहां पर इस तरह के नकली बॉक्सेस और मेडिसिन के काफी सारे वहां सामान मिले। पूरी कार्रवाई में अभी तक इसमें 10 से 15 लाख जो ऐसी टैबलेट्स वो मिली हैं, जो खासकर एंटीबायोटिक की हैं। विभिन्न कंपनियों के रैपर मिले हैं, जो अलग अलग स्थानों पर जो कंपनी मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन वो यहाँ पर नकली बनाई जा रही थी। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य टीमों पर लगाया गया है। उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला डमटा के पास का है, जहां एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें एमपी के पन्ना जिले के रहने वाले 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। इस दौरान सूचना पर सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेजी से कराने को कहा है, जिसके अनुसार तेजी से राहत बचाव कार्य किया गया और घटना में मृत 26 व्यक्तियों के शवों को बॉडी बैग के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। तो वही पीएम से लेकर सीएम तक ने घटना पर गहरा दुख जताया है। इस बीच एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज उत्तराखंड पहुंचे और वही धामी सरकार मृतकों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 50,000 आर्थिक मदद देगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।